साल से चल रहा वो केस जिसने हिंदुस्तान की की राजनीति दशा और दिशा दोनों तय भी की और बदली भी हम बात कर रहे हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उसकी सुनवाई कर रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं उनसे जानेंगे जो ये सुनवाई चल रही है क्या सोचते हैं वो इस विषय में और किस फैसले की उम्मीद करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है लोगों से बात करते हुए जानते हैं अंतिम सुनवाई हो रही है क्या उम्मीद है फैसला किसके पक्ष में आएगा भाई ये तो जब मुकदमा चल ही रहा सुप्रीम कोर्ट में और जज लोग देख ही रहे हैं तो जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा उन्हीं का मान्य होगा अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग तो बस इसी पे हैं कि भाई कोर्ट सर्वोपरि है जो फैसला करेगा मंजूर करना चाहिए मंदिर तो सर बनना है और मंदिर वहीं बनेगा राम मंदिर आस्था का विषय या राजनीति का एजेंडा आखिरी सुनवाई है किसके पक्ष में फैसला आएगा देखिए हमारे हिंदू धर्म में हम आगे तो आस्था का विषय है कभी भी हम लोगों ने कभी भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया देखिए कांग्रेस ने सत्ता सालों में हमेशा इसको रोकना चाहा कि इस तरीके से कभी भी मंदिर ना बन पाए इस बार भी कांग्रेस ने अड़ंगा डालने की कोशिश करी थी लेकिन इस बार कोर्ट ने मन बना लिया था कि इस पर निर्णय हो जाना चाहिए वो अयोध्या जमीन राम जन्मभूमि की है राम जी की है और राम जी का मंदिर वहाँ बनकर रहेगा कोर्ट जो करेगी वही होगा मुझे पूरा विश्वास है की जो पिछले डेढ़ सालों से जो ये विवाद की वजह बना हुआ है खैर उस पर पूर्ण विराम लगने वाला हमारा विश्वास है प्रभु श्री राम का मंदिर जहाँ था वहाँ है और वही ही रहेगा और एक भव्य मंदिर बनेगा सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है वो जिस हक में फैसला देगी हम लोगों को स्वीकार होगा मान्य होगा सबसे बड़ा फैसला वही है अब तक की हुई सुनवाई में क्या संकेत मिला आप लोगों को देखिए सत्य परेशान हो सकता है पराजय नहीं हो सकती है भगवान राम का जन्म हुआ था भगवान राम हमारे आराध्य हैं हम भगवान राम की पूजा करते हैं इसलिए वहाँ मंदिर था और मंदिर ही बनेगा इसी सरकार के अंदर क्षमता थी कि जो निर्णय आएगा जैसे धारा 370 सौ कहा था कि धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी धारा 370 सौ हटाएंगे और राम मंदिर भी बनवाएंगे फैसले से दो चीजें बहुत अच्छे स्पष्ट होने वाली जो कल तक के राम को काल्पनिक कहते थे उन्हें जवाब मिलने वाला तो और दूसरा ये विवाद की वजह बना हुआ था जो ये दो धर्मों के बीच का जो झगड़ा था ना वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है मध्यस्थता के चक्कर में काफी समय लग गया और लोग मध्यस्थता करने चाहते नहीं इस पर राजनीति कर रहे थे कुछ लोग सपा बसपा कांग्रेस ये सब अन्य अन्य पार्टियां जो थी इस पर राजनीति कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे राम मंदिर बनाएंगे धारा तीन हटाएंगे धारा तीन हटा दिया गया कोई विवाद नहीं हुआ मंदिर बनेगा कोई विवाद नहीं होगा किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना है ये धर्म ने, धर्म का प्रचार नहीं होता है कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और ना बिगड़ने देंगे क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं अयोध्या में एक धारा एक सौ चौवालीस लग चुकी है और पूरी तरीके से प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और कोई भी और कोई मैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कह रहा हूँ वो लोग इस तरीके के से नहीं है उनमें भी दो चार दस लोग ऐसे हैं जो उन्माद फैलाते हैं लेकिन बाकी और सब शांत है और सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे हम सब भी स्वागत करेंगे और मोदी जी और योगी जी पे भरोसा है वो आगे जो भी विवादित चीजें उनको भी इसी तरीके से धीमे धीमे सौंग कर देंगे लोग आश्वस्त हैं आज कि जो फैसला आज अंतिम सुनवाई चल रही जो फैसला लिया जाएगा वो राम मंदिर के पक्ष में आएगा और लगभग सत्तर सालों से जो मुकदमा देश की राजनीति को बदल रहा था प्रभावित कर रहा था वो मुद्दा शायद अब खत्म होगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल एक असक जरूर रह जाती है कि अगर कोर्ट से इसका फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं दो पक्षों में वैमनस्ता की भावना न उत्पन्न हो जाहिर है राम मंदिर को लेकर हिंदुओं में एक बहुत गहरी आस्था है और देश का बहुसंख्यक समाज यही उम्मीद करता है कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो बाकी फैसला क्या होगा ये लगभग एक महीने बाद पता चलेगा फिर मिलेंगे आपसे जिस दिन फैसला होगा तब तक के लिए नमस्कार राजधानी लखनऊ से कैमरा मैन राजकुमार के साथ मैं थरवस्तोगी एक्सपोज इंडिया के लिए